हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम है और शिकंजी हर घर में बनती है, इसके लिए स्पेशल आज मैं मसाला तैयार करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है शिकंजी का मसाला। शिकंजी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच काला नमक। आप देख रहे हैं कि काले नमक में गुठलियाँ भी हैं, इसमें गुठलियाँ अक्सर होती हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आपने देखे हैं, ज़्यादा नहीं है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार होगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना टेस्टी है और बहुत ही शिकंजी के टेस्ट को बढ़ाता है। तो चलिए बनाते हैं कैसे बनता है ये। एक पैन को मैंने गैस पर रख लिया है। ये 4 चम्मच जीरा है जिसके अंदर से 2 चम्मच जीरा हम इस पैन के अंदर भून लेंगे। इसी चम्मच के साथ मैंने मेजरमेंट किया है सारी चीजों का। हाई फ्लेम पर मैंने इसको भून लेना है। आपको पता ही है कि जीरे की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और भुने हुए जीरे की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इस मसाले से आप शिकंजी बनाएंगे तो आप बनाते ही रह जाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बहुत ईजी है ये मसाला, इसे आप स्टोर कर सकते हैं। इसे भूनने में हमें 1.5 से 2 मिनट लग गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो जीरा है वो भुना जा चुका है, फ्लेम हमने बंद कर दी है। बहुत काला हमने इसको नहीं करना, नहीं तो मसाले का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। इसे हमने ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिंपल जीरा, काली मिर्च, नमक और काला नमक। इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये हमने चारों चीजों को ग्राइंड कर लिया है, इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं। आपने इसे किसी भी प्लास्टिक के या कांच के जार के अंदर डाल के रख लेना है। गर्मी का मौसम है और शिकंजी हर घर में बनती है, और जब आप शिकंजी बनाओ तो इसकी 1 चम्मच बीच में डाल दो और ये मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा और आपकी शिकंजी के टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो उम्मीद है आपको ये होममेड मसाला बहुत पसंद आएगा और मुझे बताएं कि आपको ये मसाला कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।